सो हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। गाइज, आज की हमारी वीडियो होने वाली Instagram से जुड़ी एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। इसके साथ ही गाइज इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। देखिए गाइज, अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हो और आप इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालते हैं और स्टोरी डालने के बाद गाइज जब आप अपनी स्टोरी को देखने के लिए जाते हैं कि किस किस बंदे ने आपकी स्टोरी को वॉच किया है, तो वो ऑप्शन आपको लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ शेयर टू के बगल में देखने को मिल जाता है। अगर आपको वो ऑप्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है तो आपको हमारी इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर गाइज मैं इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको तीन मेथड बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो 101% आपकी जो है प्रॉब्लम है ये जल्दी ही सॉल्व होने वाली है और आपको पता लगने वाला है कि किस किस बंदे ने आपकी स्टोरी को वॉच किया है और किस किस ने यहाँ पर कॉमेंट किया है, लाइक किया है। तो गाइज ज़्यादा समय गवाते हुए शुरू कर लेते हैं अपनी इस वीडियो को और आपको बता देते हैं आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि गाइज जल्दी से जल्दी आपकी ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो सके। इसके सॉल्यूशन के लिए हमें बिल्कुल ही बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको सबसे पहले जो आपका प्ले स्टोर है उसको ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ सर्च बार में सर्च कर देना है इंस्टाग्राम। तो गाइज अगर आपको इंस्टाग्राम पर मेरी तरह यहाँ पर अपडेट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो आपको सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेना है। हो सकता है गाइज इंस्टाग्राम की अपडेट की वजह से ही आपको यहाँ स्टोरी व्यू देखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगर यहाँ से आप अपने इंस्टाग्राम को अपडेट कर लेते हैं तो गाइज हो सकता है आपकी प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व हो जाए, और जिनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो उनको नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ जाना है। और नेक्स्ट मेथड में हम आपको बताने वाले हैं आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। उसके बाद गाइज आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, ऐप्स पर क्लिक कर लेना है, फिर मैनेज ऐप्स पर क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताने वाला हूँ। इस स्टेप को फॉलो करने से पहले आपको क्या करना है, जो भी आपके ड्राफ्ट वगैरह के अंदर जो भी आपने वीडियो सेव करके रखी है अपने इंस्टाग्राम के अंदर, तो उनको आपको कहीं और मूव कर लेना है या उनको किसी और जगह पर शिफ्ट कर लेना है। यहाँ पर जो मैं स्टेप आपको बताऊंगा उससे हो सकता है गाइज आपकी ये ड्राफ्ट वाली वीडियो तो यहाँ से डिलीट हो जाए। और इसके साथ ही गाइज एक और बात का आपको ध्यान रखना है, जो आपका यूजर नेम और पासवर्ड है उसको भी आपको नोट कर लेना है, कहीं पर लिख लेना है, उसके बाद आपको इस स्टेप को फॉलो करना है। तो गाइज इन बातों का ध्यान कर लेने के बाद आपको यहाँ सर्च बार में सर्च कर लेना है इंस्टाग्राम। जैसे आप इंस्टाग्राम सर्च करते हैं तो ये ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, तो आपको इंस्टाग्राम पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको नीचे से कर देना है इसका क्लियर ऑल डाटा। यहाँ से क्लियर ऑल डाटा कर देने के बाद गाइज आपको बिल्कुल बैक आ जाना है। अगेन आपको अपने प्ले स्टोर पर आना पड़ेगा और यहाँ से अपने इंस्टाग्राम को अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका इंस्टाग्राम उसको लॉगिन करके देख लेना है और यहाँ से हो सकता है गाइज आपकी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाए। 99% तो यहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। उसके बाद आपको क्या करना है, जिसकी प्रॉब्लम रह जाती है अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है और जो ये वाला आपका सेक्शन है आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको बॉटम पर प्रोफाइल पिक पर क्लिक करना है, थ्री लाइंस पर क्लिक करना है, सेटिंग पर टैप करना है तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको हेल्प पर क्लिक करना है, रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पर टैप करना है और यहाँ पर रिपोर्ट प्रॉब्लम विदाउट शेकिंग पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको यहाँ पर जो आपकी प्रॉब्लम है उसके बारे में अच्छे डिस्क्राइब कर देना है। आपको कुछ इस तरह ही लिख लेना, हाई इंस्टाग्राम टीम, स्टोरी व्यू नॉट शोइंग, प्लीज फिक्स दिस इशू एज सून एज पॉसिबल। आपको अपने वर्ड्स के अंदर इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर लेना है। मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको बताने के लिए यहाँ पर ये इतना कुछ लिखा है। उसके बाद आपको क्रॉस आइकन पर क्लिक कर देना, गैलरी पर टैप करना, जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था उसको आपको यहाँ पर अटैच कर देना है, फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और यहाँ से कर देना है सेंड रिपोर्ट। तो गाइज यहाँ से जो आपकी प्रॉब्लम है वो इंस्टाग्राम टीम के पास पहुँच जाती है और विद इन वन वीक के अंदर आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया जाता है। तो गाइज आपको इन स्टेप्स को फॉलो कर लेना है जिससे गाइज 101% जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाली है। गाइज मेरे को आज वाली इस वीडियो में बस इतना ही बताना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और हमारी वीडियो की हेल्प से आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो गाइज मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, टेक केयर।